माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्री गुलाब सिंह कटारिया जी, डॉक्टर सीबी जोशी जी, शांति धारीवाल जी, तमाम मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, माननीय सदस्यगण, अभी मैं डॉक्टर सीबी जोशी जी का और तमाम साथियों का सबके उद्गार सुन रहा था जो कटारिया साहब के बारे में कहे गए, और मैं समझता हूँ कि आज हम सबका यहाँ बैठना एक साथ में है, वैसे तो कई बार बैठे हैं पर राज्यपाल के रूप में जा रहे हैं हमें छोड़ करके, और विदाई समारोह रखा गया है स्पीकर साहब के माध्यम से द्वारा। उस वक्त में कई बार हम कहते हैं कि लड़ाई हमारी विचारधाराओं की है, व्यक्तिगत नहीं है, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती इसी में है। ये कोई कम बात नहीं कि अलग अलग विचारधाराएं होती है और यही होनी चाहिए। एक बार बड़ौदा के अंदर राहुल गांधी को पूछा एक व्यक्ति ने, गुस्से में कहा कि बीजेपी आ रही है ख़त्म करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, वो रहेगी, आरएसएस रहेगी, बीजेपी रहेगी, उनकी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। और राहुल गांधी ने एक बार हाउस में कहा पार्लियामेंट के अंदर कि मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन आप सबका, मतलब बीजेपी वालों का भाव बदल के रहूँगा, बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे अलग बात है, तो ये कहना कि मेरा रास्ता सही है सत्य का या सद्भावना का, प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का, अहिंसा का, और मैं आपको इस रास्ते पर ला के रहूँगा, मुझे विश्वास है, ये कहना बहुत बड़ी बात है, आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएगा कौन जाएगा अलग बात है। तो मुझे हमेशा वो सब याद आते हैं, एक बार वो भावुकता में चले गए प्रधानमंत्री के पास गले मिलने के लिए, वो भी आपने देखा होगा, आलोचना भी हुई उनकी, पर आज हम बैठे साथ में, ये मैं समझता हूँ कि सीपी जोशी साहब ने कहा बचपन से हमें इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कई बार मेरी पार्टी में मेरे साथियों कहता हूँ, अगर परसा मादेरना जैसा व्यक्ति, हरदेव जोशी जैसा व्यक्ति और गुलाब कटारिया जैसा व्यक्ति भी आज मैं कह सकता हूँ, अगर ये नौवा विधायक बन सकते हैं, एक बार मैं पार्लियामेंट में सकते हैं, 77 में ये चुनाव लड़े थे, ये चुनाव जीत गए, चुनाव में भी लड़ा था, मैं चुनाव हार गए 77 के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, मैं मेरे साथियों कहता हूँ, विधायक साथियों को कई बार कहता हूँ कि हम लोग खुद आप भी जो 8-9 बार जीतते हैं, आप इस प्रकार काम क्यों नहीं करके दिखाओ कि आप भी 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार जोशी जी की तरह 11 बार विधायक बन सको, क्यों नहीं हम कर सकते हैं, हम हमें योग्यता है ये, वरना आप देखते हो कि 1 साल 2 साल बदल जाते हैं। तो आज गुलाब कटारिया बैठे अगर, और इनका जीवन आपने सुना सपने हैं, ये तो प्रेरणा लेने वाली बात है कि 9 बार विधायक बनना और 1 बार पार्लियामेंट मेंबर बनना बड़ी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कटारिया साहब जो है अब जो है, आज के बाद मैंने कहा राजस्थान का, आज मैंने अभी जब शाम को बोल रहा था तो मैंने कहा भाई कटारिया साहब अब आप राजस्थान का मान और गौरव बढ़ाएंगे आप आसाम के अंदर, उसके पहले मेरे भाव ये भी थे जो मैं प्रकट कर देता हूँ कि आजकल राज्यपालों के बीच में और सरकारों के बीच में टकराव चलता रहता है, केरल में भी, महाराष्ट्र में भी, जम्मू कश्मीर में रहते हो, बंगाल में चला, जहाँ जहाँ सरकारें विपक्ष की होती है वहाँ चलता रहता टकराव, ऐसा टकराव पहले कभी देखा नहीं। तो मेरा कहना है कि आप तो संघ के कैडर के आदमी हैं और ज़िंदगी बिता दी आपने सभी तरह से, आप जाके ऐसा, अभी तो सरकार वहाँ बीजेपी की है, अभी आप जाके वहाँ तो आपको, अभी सीपी जोशी साहब कह रहे थे संविधान में जो जो अधिकार दिए गए उसका आप आराम से उनको आप लागू करेंगे, और राजस्थान का मान सम्मान मैंने इसलिए भी कहा कि राजस्थान भरे पड़े हैं आसाम के अंदर, उनको लगेगा कि हमारा घर का मुखिया यहाँ पर आया है,
पर आपकी एक खासियत भी है, जब आप भावुक होते हैं तो उस ढंग से बोलते हैं, और जब कैमरे के साथ जाते हो तो हमारी ऐसी तैसी करते हो। कमी नहीं रखी आपने हमारी, हमारे नेतृत्व की मेरी भी कोई कंजूसी नहीं रखी आपने। जम के आपने कैमरे के सामने क्या क्या नहीं बोला होगा वो लोगों के जहन के अंदर है। पर मैं समझता हूँ कि आज के बाद में ना तो आप स्पर्श के लिए गुलाबी भाषा रहोगे और ना इनके लिए गुलाब चंद कटारे रहोगे, बल्कि नए रूप में आप जो है अब भाई साहब वाली बात नहीं रहेगी, अब आप गवर्नर बन गए हो, आप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए मैं समझता हूँ कि आप जो है आसाम के अंदर अपना झंका बजाएंगे, राजस्थानियों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।